जय हिंद साथियों, मैं हूं आपके साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 9-10 दिनों से मैं भगवान महादेव के जो केदारनाथ धाम है वहां की यात्रा पे था, और उस यात्रा पे मुझे फौज की तैयारी करने वाला एक लड़का मिला जो कि आप लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन स्रोत हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रियांशु जमलोकी की, जो कि एक केदारनाथ धाम में कैंपेनिंग टेंट का काम करता है। यानी कि कोई भी आप लोग जब यात्री लोग आते हैं, तो आप लोग जब टेंट लोकेशन में रहते हैं, 2 टेंट या 3 सेट का टेंट या 5 सेट का टेंट रहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करते हैं बहुत ही लो बजट में। यानी कि मेरे ख्याल से शायद 500 रुपये पर बेड इस टाइप से, और बहुत ही स्वच्छ लोकेशन। तो एक बार जरूर ट्राई करें, ये होगी एक बार उसके बिजनेस की। लेकिन उसके पीछे की मेन कहानी छुपी है, और वो ये है कि वह बंदा सेना के लिए RTJCO, साथ ही उसकी डी फार्मा कंप्लीट है, वो फार्मा के लिए भी तैयारी कर रहा है। यानी कि वो एक चीज में डिपेंड नहीं है, वो अपनी फौज की तैयारी के साथ साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या अपनी आजीविका को चलाने के लिए भी कार्य कर रहा है। साथ ही वो एक ब्लॉगर भी है, और ब्लॉग के माध्यम से वो उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट करता है, उत्तराखंड के गौरवीय इतिहास को बताता है, और साथ ही केदारनाथ मंदिर या पंच केदार या वहां की देवभूमि के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी उसके चैनल के माध्यम से ही मिलती है। तो आप लोग देखिए, उसका मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। आप लोग जब भी केदारनाथ यात्रा करें तो उससे जरूर कांटेक्ट करें, साथ ही आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसको जरूर बताएं, और वो RTJCO या डी फार्मा जिसमें भी भगवान ने उसको चाहा, वो उसको अपना आशीर्वाद जरूर दें बाबा केदार। मेरी भी यही प्रार्थना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मुझे कल केदारनाथ आने का मौका मिला, बहुत दिनों से मतलब मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं भगवान केदार के दर्शन करूं। तो कल इसी तमन्ना को दिल में रखते हुए कल बाबा ने मुझे अपने पास में बुलाया, और यहाँ आके भी जिसे बोलते ना देवभूमि, देवभूमि है तो यहाँ देवतुल्य लोग भी रहते हैं, तो मुझे यहाँ भाई मिला, और इनका यहाँ कैंपेनिंग का काम है। तो जब भी आप लोग को एक केदारनाथ आए, बहुत ही लो बजट में इनका यहाँ कैंपेनिंग बहुत साफ सुथरी और बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं। साथ ही भाई एक ब्लॉगर भी है जो कि देवभूमि उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट करता है, और यहाँ पूरे भगवान के बारे में, चार धाम के बारे में, यहाँ का गौरवमयी इतिहास और पूरे मंदिर की जो लोक कथाएं हैं, सारी चीज आप भाई के ब्लॉग के माध्यम से भी आप लोग जान सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी इनको फॉलो करें, मैं यहाँ इनके साथ में कोलैब करूंगा। साथ ही इनका यूट्यूब चैनल है वेलकम टू उत्तराखंड देवभूमि, तो वहां जाके भी भाई को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट जरूर करें। जय श्री केदार, थोड़ा बताएं। जो भैया, तो सबसे पहले जय श्री केदार कहना चाहूंगा आपको मैं, और भैया जो एक्स आर्मी सोल्जर है, तो इनसे मेरी मुलाकात कल हुई, और इनसे जो मेरी फर्स्ट जो मुलाकात हुई, कहते हैं ना कि कोई अपरिचित होता है तो उससे एक अलग ही मतलब ऐसे नाता नहीं होता जो कि अटैचमेंट वाला होगा, तो इनसे मेरा ऐसा अटैचमेंट हो गया है कि जो प्रभु के हम यहाँ पे दरबार में हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेरे अपरिचित होंगे, ये बल्कि ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार जैसे लग रहे हैं। सही बात जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भैया तो किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, इनको तो सभी लोग जानते हैं, और मुझे भी काफी अच्छा लगा भाई जी से मिलकर। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग केदारनाथ आए, केदारनाथ में विजिट करें, और काफी अच्छा स्वर्ग सा माहौल यहाँ केदारनाथ में, इसका तो अपने मौसम में क्या ही बोलूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा वेलकम टू उत्तराखंड देवभूमि नाम से चैनल है, और मैं यहाँ के कल्चर, संस्कृति, चार धाम जितने भी हैं वहाँ के बारे में मैं प्रमोट मतलब अपना बताना चाहूँगा कि क्या क्या, कहाँ रहने की व्यवस्था है, क्या है, तो ये सभी मैं आप लोगों को अपने वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊँगा। और साथ ही साथ आप केदारनाथ जब भी आते हो तो मैं एक वो थोड़ा गाइडलाइन बताना चाहूँगा। तो गाइडलाइन ये है कि आप जब फैमिली में चलते हो तो सभी साथ में चले, कोई पिट्ठू में चलता है तो बच्चे को पिट्ठू के पास देता है और अपने आप पीछे से आते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि पिट्ठू वाले का कभी नंबर नहीं लगता, कॉल नहीं लगता, तो बेचारा बच्चा रात भर मम्मी पापा ये जो भी है उनसे अलग रहता है। तो सभी यात्रा करते, यात्रा का मतलब वही है, सभी साथ में चले, साथ में यात्रा होती है। और जो भी केदारनाथ में आता है, एक और चीज कहना चाहूंगा, केदारनाथ में आता है तो स्वच्छता का विशेष ध्यान दे, प्लास्टिक जो है डस्टबिन में डाले उसका विशेष ध्यान रखे, हमें प्रकृति को स्वच्छ रखना है। जब हम पहला प्रयास हम करेंगे तो अगला बंदा हमें देखकर प्रयास करेगा। तो यही कहना चाहूंगा, स्वर्ग को स्वर्ग जैसा बनाए रखे,
बाकी तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और भाई जी तो बिल्कुल, मैं यहाँ भाई का नंबर भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग इससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और जब भी केदारनाथ आए तो आप इसको जरूर फोन करें, आपकी कैंपेनिंग से लेके या केदारनाथ के बारे में कुछ भी जानकारी देनी हो तो आप इसके भाई के ब्लॉग चैनल को जरूर सपोर्ट करें और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।